लाजवाब ऑसम मूवी। एक्टर के बारे में क्या बोलना चाहोगे भाई? भाई सुपर बॉलीवुड टट्टी है बिल्कुल, टॉलीवुड एक नंबर, एक नंबर टॉलीवुड। जो एक्टर है जो राजमौली जी है, ठीक है, जिन्होंने मूवी के बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने कुछ चीज नहीं छोड़ी, लव स्टोरी भी है उसके अंदर, उसके अंदर देशभक्ति भी है, मतलब क्या क्या दिखाया आपको उसके अंदर, बहुत चीज दिखा दी। और आलिया भट्ट के बारे में क्या बोलोगे? आलिया भट्ट नंबर वन भाई, इतनी वार्ड मूवी है यूपी में दिखानी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम भाई। कितने नंबर दोगे मूवी को भाई? 10 में से 12। मेरा नाम है शिवम कुमार और आप देख रहे हैं सरल भारत न्यूज। तो आइए हम लोग कुछ दर्शकों से बात करते हैं, जो लोग RRR जो कि RSS राजमौली जी के निर्देशन में बनी है, उसके विषय में लोगों का रिव्यू लेंगे कि उनको मूवी कैसी लगी और वो इस मूवी को कितना रेटिंग देना चाहते हैं, किस एक्टर की एक्टिंग उन्हें इस मूवी में सबसे बेहतरीन लगी। भाई इतनी वार्ड मूवी है यूपी में दिखानी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम भाई। कितने नंबर दोगे मूवी को भाई? 10 में से 12। बिल्कुल लाजवाब ऑसम मूवी। एक्टर के बारे में क्या बोलना चाहोगे भाई? भाई सुपर बॉलीवुड टट्टी है बिल्कुल, टॉलीवुड एक नंबर, एक नंबर टॉलीवुड। जो एक्टर है जो राजमौली जी है, ठीक है, जिन्होंने मूवी के बहुत अच्छा काम किया है, उन्होंने कुछ चीज नहीं छोड़ी, लव स्टोरी भी है उसके अंदर, उसके अंदर देशभक्ति भी है, मतलब क्या क्या दिखाया आपको उसके अंदर, बहुत चीज दिखा दी। और आलिया भट्ट के बारे में क्या बोलोगे? आलिया भट्ट नंबर वन, बढ़िया। ठीक है भाई, हाँ भाई मूवी देख के आयो? यस। कैसी लगी मूवी? मूवी वॉज फैंटास्टिक, द परफॉर्मेंसेज ऑफ रामचरण एंड जूनियर NTR वॉज जस्ट माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। और जो मूवी की एक्ट्रेस हैं आलिया भट्ट, उनके बारे में क्या बोलोगे? आलिया भट्ट का किरदार बहुत छोटा था वैसे, बट बहुत अच्छे से उन्होंने निभाया और बहुत बढ़िया काम करा है। और कुछ हॉलीवुड से भी किरदार मंगाए गए थे, उनके बारे में क्या बोलोगे मूवी में? जहाँ तक मूवी चली है उसके हिसाब से तो सभी ने बहुत बढ़िया काम करा है, बट कुछ जगह पे मुझे लगता है और ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट। हाँ भाई, बेस्ट पार्ट ऑफ द मूवी क्या था? सब कुछ बेस्ट था मूवी के अंदर, सब कुछ बेस्ट था भाई। जूनियर NTR के लिए क्या बोलोगे? सब कुछ बेस्ट है भाई, 5-star पिक्चर है। एक्सीलेंट भाई। कुछ और लोगों से बात करते आइए, कैसी लगी भाई मूवी? बहुत बढ़िया मूवी है। जूनियर NTR के लिए क्या बोलोगे? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। हेलो, मूवी कैसी लगी मैम? मूवी बहुत अच्छी थी भैया। हाँ भाई, कैसी लगी भाई मूवी आपको? एक नंबर भाई, एक नंबर लगी। कितने नंबर दोगे मूवी को? मैं 10 में से 10। 10 में से 10 दोगे? क्या ही बवाल बना दिया है बे, ऐसे क्या ही बवाल बना दिया, एकदम बवाल थी, बवाल एकदम से, एक नंबर जेन्युइन। पैसा वसूल, बिल्कुल पैसा वसूल हो गया भाई, बाकी में पैसा वसूल मूवी लगी है। सबसे अच्छी एक्टिंग किसकी लगी? सबसे अच्छा रामचरण को क्या बोलोगे? अरे राम राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अगर नंबर देने की बारी आई तो मूवी को कितने नंबर दोगे 10 में से? भाई 10 में 10 दोगे भाई, उससे भी आगे दे देंगे, उससे भी आगे दोगे 10 में से 12। आगे कोई मूवी नहीं दिख रही है। कुछ और लोगों से बात करते हैं, ये दोस्त हमारे खड़े हुए हैं भाई, आप मूवी देख के आए हो? हम सब साथ में थे, साथ में थे, दोस्त ही है। कैसी लगी आपको? बढ़िया बढ़िया, एक नंबर, एक नंबर। नहीं देखी मूवी भाई? मूवी नहीं देखी, देखिए मजे लिए बस अंदर। क्या लगी भाई? किसका किरदार सबसे अच्छा लगा? अजय देवगन के किरदार के बारे में क्या बोलेंगे आप? बहुत अच्छा था, सबसे अच्छा मेरे को रामचरण जी का लगा। रामचरण जी का लगा, क्यों लगा आपको अच्छा? क्योंकि उन्होंने हमारे जो राम जी है उनके बारे में, मतलब जो बॉलीवुड में जो होता है कि अपने हिंदू कल्चर के बारे में उल्टे सीधा बोलते हैं, साउथ कल्चर में बहुत अच्छा दिखाया गया हमारे हिंदू कल्चर को, और हम मैं यही प्रेफर करूंगा कि ऐसी मूवियां बननी चाहिए आगे। कितने नंबर दोगे मूवी को भाई? 8। 8 नंबर। आप भाई? 9। आलिया भट्ट के बारे में क्या बोलोगे? अरे उसकी मत पूछो, आलिया भट्ट का थोड़ा रोल कम है पर, लेकिन अजय देवगन एक नंबर, एक नंबर। नहीं आंटी जी, आंटी जी आप बताइए, आप मूवी देख के आए हैं? जी ना, मूवी नहीं देखते, पैसा खराब नहीं करते हम लोग। ओके ओके, बढ़िया। कैसी कैसी? अरे एकदम, क्या ही बताएं आपको, नहीं क्या 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 बेस्ट पार्ट मूवी का क्या था आपको? VFX अच्छे थे, एक्शन अच्छा था, एक्शन। राजमौली जी को तो आप जानते हो? बिल्कुल बिल्कुल। राजमौली जी के बारे में क्या बोलना चाहोगे? इस मूवी को दिखाकर उन्हें क्या साबित करना चाहिए बताइए आप? कि हम लोग भी हॉलीवुड को थोड़ा सा टक्कर तो दे सकते हैं, दे सकते हैं टक्कर, बिल्कुल दे सकते हैं। अगर बजट अच्छा रहा और अच्छा वो, मतलब अगर डायरेक्टर अच्छे रहे तो उनको टक्कर दी जा सकती है, ये बोलना है। और दोस्त हमारे खड़े हुए जो मूवी देख के हैं भाई, आपका नाम? कृष्णा। कैसी लगी भाई मूवी? बहुत औसम थी भाई, बहुत अच्छी लगी, बाहुबली से बहुत अच्छी है मूवी। क्या लगता है भाई कि जो बाहुबली मूवी है
उसको ये पीछे छोड़ पाएगी, कमाई के मामले में दंगल को पीछे छोड़ पाएगी? कितने नंबर दोगे मूवी को? साउथ इंडियन मूवी 5 स्टार, साउथ 5 स्टार दोगे? 10 में से अगर मैं पूछूं तो आप लोग मूवी को कितने नंबर 10 में से दोगे? 10 में से 10। उससे ज्यादा भी दे सकते हो? 10 वसूल है। जो हॉलीवुड के एक्टर आए थे, एक्टर हॉलीवुड के लिए गए हैं इस मूवी में, थोर में भी एक एक्टर है इसके, उनके बारे में क्या बोलोगे? डेफिनेटली उनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, नाइस पोर्ट्रे, अच्छी एक्टिंग। और जो ओलिविया मोरिस है, जो भीम की जो गर्लफ्रेंड इस मूवी में रही है, उनके बारे में क्या बोलोगे? डायरेक्टर तो अपने मस्त है, जो उनसे ऐसी एक्टिंग करवा पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और रामचरण जी के बारे में आप लोग क्या बोलेंगे? अरे बढ़िया एक्टिंग है, एक नंबर, जबरदस्त जबरदस्त। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। रामचरण की, रामचरण की। पहली बार आलिया भट्ट को देख के थोड़ा अच्छा लगा बस। और देखा जाए तो जो मूवी है उसको अगर मैं रेटिंग की बात करूँ, 10 में से कितने नंबर आप लोग दोगे? 9। No, not acting 10, बहुत 10. अच्छी है उनकी। और पहली बात, बहुत तगड़ा कोलैबोरेशन था, क्योंकि इसमें अंग्रेजों को भी लिया गया, मतलब अच्छे खासे अंग्रेज लिए गए इसमें। और उसमें एक एक्ट भी है कि हाँ, उसमें कि सपोर्ट भी कर रहे हैं, फिर ऊपर से रामचरण है, रामचरण का पहले एक ईविल ईविल स्वरूप दिखा रहे हैं, फिर उसमें दिखा रहे हैं कि उसका एक मेथड था पीछे। तो उसकी स्टोरी लाइन जो है ना, मेनली कि स्टोरी लाइन इतनी आगे चल रही है, इतनी बढ़िया चल रही है, वो मेन वही कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। अजय देवगन के पीछे में क्या बोलोगे? उन्होंने कैसी एक्टिंग इसमें की है? बढ़िया थी उनका उनका रोल जितना सफिशिएंट था, उनका बेस्ट था, कि उनका सूटेबल था, कि जहाँ तक है वहाँ बहुत कम रोल उनका दिखाया गया, उस कम बेस्ट था, जहाँ तक है उनकी स्टोरी में जहाँ जरूरत थी उतना ठीक था। मतलब छोटी चीज बड़ा धमाका ऐसे करके कुछ है। बिल्कुल बिल्कुल। दर्शक ये भी कह रहे हैं कि इस मूवी के ग्राफिक्स हॉलीवुड को भी फेल करते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये मूवी आने वाले सप्ताह में पूरे बॉक्स ऑफिस पर पूरे वर्ल्ड वाइड कितनी इनकम कर पाती है।